हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सबका इन्वेस्टर एकेडमी में। दोस्तों आज कुछ अलग हट के टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं। जिस रेगुलरली बेसिस पे हम शेयर मार्केट के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, किसी भी तरह की एक्टिविटी के साथ कभी अपन आईपीओस में अप्लाई करते हैं, इसके अलावा अपन ट्रेडिंग के अंदर भी इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग हो, चाहे से इंट्राडे ट्रेडिंग हो या स्विंग ट्रेड हो, किसी ना किसी रूप में अपन शेयर मार्केट से जुड़ी हुई खबरों के साथ बने रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी ही कुछ अलग हटके न्यूज़ आपके लिए मैं लेकर आया हूँ कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पर टॉप 10 रिचेस्ट सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर अपना वेल्थ क्रिएट किया है, काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर वेल्थ जनरेट की है और उन सबकी उम्र 40 साल से कम है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का हमारा आपको कुछ अलग हटके न्यूज़ प्रोवाइड करना है कि अपन भी किस तरीके से ऐसा ही कुछ खड़ा करके, शेयर मार्केट में तो अपन हमेशा ही ट्रेड करते रहेंगे और यहाँ से वेल्थ जनरेट करते रहेंगे, लेकिन इसके अलावा भी इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि ताकि आप भी कुछ अलग हटके यहाँ पर यूज़ कर सकें, यहाँ पर आप देख सकें कि किस तरह से यहाँ पर लोग क्या क्या बिजनेसेस कर रहे हैं और उनसे अच्छी खासी वेल्थ जनरेट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको कुछ आइडिया मिलेगा कि किस तरह के बिजनेसेस यहाँ पर और कितनी वेल्थ उन्होंने बनाकर दी है आने वाले समय में। अच्छे खासे ऐसे ही कुछ आइडिया आपके लिए भी बेटर। ये रिसर्च IIFL वेल्थ एंड हुरून इंडिया ने रिलीज की है। सेल्फ मेड रिचेस्ट पीपल्स की लिस्ट है, अक्टूबर 13 को पब्लिश किया गया, जो कि 40 साल से कम उम्र के हैं और जिनकी वेल्थ जो क्राइटेरिया रखा गया वो 1,000 करोड़ से ऊपर का यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर 10 ऐसे पर्सन की जिन्होंने अपने दमखम से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। सबसे पहले जो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जरोदा के नितिन कामत की बात करने वाले। सभी लोग जानते होंगे जरोदा काइट, सब सारे लोग अपन ट्रेडिंग करते हैं और यूज़ करते हैं, अच्छा खासा बहुत अच्छा शानदार यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाया है और इनकी नेटवर्थ की बात करें तो लगभग 24,000 करोड़ रुपये की नेटवर्थ के साथ नंबर 1 टॉप रैंक करते हैं इस टाइम ये, और अच्छा खासी कंपनी है और यहाँ पर आपके ब्रोकिंग हाउस चलाते हैं। जैसे आपकी आपने इनकी काइट जरोदा ऐप यूज़ की होगी, कई तरीके शानदार फीचर्स इस ऐप में आपको देखने को मिलते हैं। तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा यहाँ पर रेस्पॉन्स देखने को मिला है और काफ़ी अच्छा यहाँ पर बेहतरीन यूज़र इंटरफेस और साथ में बहुत ही कम डिस्काउंट ब्रोकिंग के फील्ड के अंदर काफ़ी अच्छा तहलका इन्होंने मचाया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने जरोदा के अंदर अकाउंट नहीं खोला, अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोला है, तो आप बहुत बड़ा एक चांस मिस कर रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, डेफिनेटली जरोदा के अंदर डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए और यहाँ पर ट्रेडिंग का इंजॉय कीजिए। बहुत ही अच्छी खासा यहाँ पर आपको यूज़र इंटरफेस और टेक्निकल चार्ट्स बहुत ही शानदार देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर जरोदा आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं सेकंड पर्सन की हम बात करते हैं यहाँ पर media.net दिव्यांग तुर्किया की, जो कि जिनकी नेटवर्थ लगभग 14,000 करोड़ रुपए की नेटवर्क है। media.net करती क्या है, तो मैं जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं, यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, यहाँ पर बहुत सारे एडवर्टाइजर यहाँ पर एडवर्टाइज करने के लिए आते हैं और विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यहाँ से एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। लार्जेस्ट पूल एडवर्टाइजर्स का इन द वर्ल्ड और बहुत अच्छा खासा यहाँ पर पब्लिशर्स रेवेन्यू कमाते हैं जिनके क्लाइंट्स देख सकते हैं आप। काफ़ी सारी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी यहाँ पर इनके साथ वर्क कर रही है, तो काफ़ी अच्छा खासा इन्होंने भी यहाँ पर अपना नाम कमाया है। 14,000 करोड़ रुपये की नेटवर्थ इनकी खुद की बना चुके हैं। वहीं थर्ड पर्सन की हम बात करते हैं यहाँ पर अमोद मालविया, ये कंपनी से आते हैं, जिस कंपनी से आते हैं उनका नाम है उड़ान और बेसिकली यहाँ पर नेटवर्थ जो इन्होंने क्रिएट करके रखी है वो लगभग 13,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। उड़ान बेसिक B2B और B2C बिजनेस मॉडल पे काम करती है। यहाँ पर सभी तरह के प्रोडक्ट्स होलसेलिंग के रूप में यहाँ पर रिटेलर्स और शॉपकीपर्स के लिए यहाँ पर शानदार ऑनलाइन पैनल डिज़ाइन किया गया है। इसके ऊपर आप होलसेल रेट में सभी तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, आईटी से रिलेटेड हो या फिर जैसे फैशन से रिलेटेड हो, मोबाइल एसेसरीज हो या बहुत सारे प्रोडक्ट की हाईली रेंज हो, होम फर्निशिंग हो, फैब्रिक हो, फैशन एसेसरीज हो, यहाँ पर होलसेल रेट में आप अपने यहाँ पर प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और आप एज ए होलसेलर भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर भी क्रिएट किया गया है। वहीं फोर्थ पर्सन की बात करें तो ये भी उड़ान कंपनी से आते हैं जिनका नाम है सुजीत कुमार, जिन्होंने लगभग 13,100 करोड़, यानी कि सेम रैंक दोनों के पास ही है और काफ़ी अच्छा खासा यहाँ इन्होंने भी यहाँ पर से वेल्थ जनरेट किया है। वहीं नेक्स्ट पर्सन भी वैभव गुप्ता और ये भी उड़ान कंपनी की तरफ से आ रहे थे। उड़ान कंपनी ने काफ़ी अच्छा खासा यहाँ वेल्थ लोगों को बनाकर दिया है और बहुत अच्छा खासा यहाँ पर
प्लेटफॉर्म देखने को हमें मिलता है। वहीं अगले पर्सन की बात करें तो यहाँ पर रिजु रविंद्रन जो कि कंपनी से जिस कंपनी से आते हैं उस कंपनी का नाम है बायजूस। सबने आपने सुना होगा बायजूस क्लासेस का, काफी शाहरुख खान भी यहाँ पर ऐड करता है और ऑनलाइन क्लासेस और साथ में ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्रोग्राम चलाते हैं। वर्ल्ड की लार्जेस्ट एडटेक कंपनी है, सभी तरह के यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए ऑफर्स चलाते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और जिस तरह से पैंडेमिक की सिचुएशन में इस तरह की ऑनलाइन क्लासेस का दौर बढ़ा है तो काफी ही डेडिकेटेड शानदार पैनल बनाए हैं और काफी सारा मार्केट से पैसा भी इन्होंने फंड रेज कर लिया है। काफी अच्छा खासा यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा स्टार्टअप देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में इसका IPO भी हमें देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर काफी अच्छा काम इन्होंने भी करके दिखाया है। इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर e-commerce कंपनी इन इंडिया Flipkart की हम बात करने जा रहे हैं। बिन्नी बंसल हैं 7,500 करोड़ रुपए के साथ यहाँ पर रैंक 7 पे हैं और सभी जानते हैं Flipkart जैसे कि यहाँ पर Amazon और Flipkart दो का ही वर्चस्व यहाँ पर कायम है। तो यहाँ पर भी अच्छा खासा इन्होंने ये अपना स्टार्टअप जो ये लेकर आए थे और अच्छा खासा आज के टाइम पे e-commerce प्लेटफॉर्म यहाँ पर खड़ा कर दिया है इंडिया के लिए और काफ़ी अच्छी यहाँ पर भी 7,500 करोड़ के साथ रैंक 7 पे हैं। और इसी के साथ सचिन बंसल, इन दोनों ने ही ये कंपनी स्टार्ट की थी, इनकी नेटवर्क भी लगभग 7,500 करोड़ यहाँ पर। आने वाले समय में हमको Flipkart का IPO भी देखने को मिलेगा। Flipkart में भी लगभग इसकी वैल्यूएशन की बात करें तो लगभग $25 अरब इसकी वैल्यूएशन आकी जाती है और आने वाले समय में जो ई-कॉमर्स की भारत में अवेयरनेस है वो लगभग अभी 5% है और 2025 तक ऐसा आंकड़ा लगाया जा रहा है कि ये लगभग 10% तक यानी कि यहाँ से डबल होने की पूरी ताकत रखती है। Flipkart के पास रिसेंटली में अभी 6 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं तो काफ़ी अच्छा खासा इनका भी यहाँ पर बिजनेस मॉडल है और इस तरह की इकलौती कंपनी है जो कि इतने बड़े लेवल पे काम कर रही हैं। इसके अलावा छोटी छोटी कंपनियाँ जैसे कि मंत्रा है और बाकी जो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है वो इनसे फार 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 बहुत ज़्यादा दूर हैं अभी। और अभी रिसेंटली में Flipkart ने ही मंत्रा और जबंग को भी अपने पास रख लिया है, खरीद लिया है, उनको टेक ओवर कर लिया है। तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर भी आपको आने वाले समय में IPO धूम मचाता हुआ दिखाई देगा। वहीं 9th नंबर पर रितेश अग्रवाल हैं जो कि ऑरेवल स्टेज से आते हैं और इनकी नेटवर्थ लगभग 4500 करोड़। ऑरेवल स्टेज कंपनी का काम है ओयो रूम्स का, आपने नाम सुना होगा, तो होटल लाइन के अंदर है, होटल और रूम्स में कमीशन बेस्ड काम है इनका। और तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर भी काम अपन को देखने को मिलता है और बहुत पूरे पैन इंडिया नेटवर्क है, पूरे इंडिया के अंदर आपको हर जगह ओयो रूम्स जरूर मिल जाएंगे। तो इन्होंने भी अच्छा खासा यहाँ पर अपना नाम कमाया रितेश अग्रवाल, लगभग 4,500 करोड़ रुपए से ऊपर की नेटवर्थ इनके पास है। वहीं नेक्स्ट और फाइनल रैंक 10 की बात करते हैं भविष अग्रवाल, ANI टेक्नोलॉजीज के नाम से है। लगभग नेटवर्थ की बात करें तो 3,500 करोड़ की नेटवर्थ है और यहाँ पर कंपनी करती क्या है तो मैं आपको बता दूं, कंपनी मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट ऑफ अदर फर्म्स की मेंटेनेंस, वेबसाइट की मेंटेनेंस करती है, साथ में मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन अदर फर्म्स के लिए क्रिएट करती है, क्रिएशन का काम है। टेक्नोलॉजी IT सर्विसेज से जुड़ी हुई कंपनी है, अच्छा खासा यहाँ पर भी काम है तो यहाँ पर भी अच्छी खासी वेल्थ इन्होंने जनरेट करी है। तो आपने यहाँ देखा कि ऐसे 10 पर्सन हैं जिन्होंने 40 साल की उम्र के अंदर अंदर ही अपने लिए काफ़ी करोड़ों रुपए का समुंदर खड़ा कर लिया है। तो इस तरीके से कुछ बिजनेस आइडियाज़ आप भी अपने आसपास से सर्च करके किसी तरह की कोई यूनिक बिजनेस के अंदर दिमाग लगा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कुछ ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। इन बिन में से बहुत सारी कंपनीज के ऑलरेडी IPO आने वाले हैं जिसमें बायजूस, Flipkart, Paytm, ऐसे कई सारी मोस्ट पॉपुलर कंपनीज के IPOs आपको आने वाले वीडियोस में मिलेंगे और नए साल तक इनके IPOs आने की पूरी संभावना चल रही है, तो वो वीडियो भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट मार्केट आवर्स में अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।